afternoon everyone. So today we are going to do again we'll practice multiplication sums and division sums. ठीक है जी, आज फिर से हमने multiplication और divide and check इसकी practice करेंगे. ठीक है, so are you ready? So आज की जो practice है हम notebook पे करेंगे. Okay, we'll do on notebook. Okay, so write today's date 7th May. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल नो पेज नंबर आपने नोटबुक पे करना है, बुक पे हम नहीं कर रहे हैं. ठीक है, मल्टीप्लाई 308 मल्टीप्लाई बाय 6. ओके, ये सम आपने अभी सॉल्व करना है. ठीक है, हमने बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन के सम सॉल्व किए हैं. ठीक है, आपने मल्टीप्लिकेशन का ये सम सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे 0 for writing carry over, then place values, ones, tens, hundreds. Okay, then we write 308. Tanvi, you are not writing, beta? Yes, multiply by 6. You have to write on notebook. Clear? आपको notebook पे करना है solve. Very good. So multiply sum है, आपने notebook पे solve करना है. ठीक है, तो जिसको आता है वो अपने आप solve करेगा, और जिसको भी थोड़ा सा डाउट है वो मैम सॉल्व कर रहे हैं बोर्ड पे. यू कैन चेक योर आंसर. वेरी गुड, मायरा हैज रिटन द आंसर इन द चैट बॉक्स. नाइस, वेरी गुड, करेक्ट, इट्स करेक्ट मायरा, वेरी गुड. तो हम क्या करेंगे, हम 6 का टेबल 8 तक रीड करेंगे. 6 8 48, है ना. आप 60 से स्टार्ट कर सकते हो. अगर आपको पूरा टेबल 8 का एकदम से नहीं पता चलता 6 8 का क्या होगा, तो आप 60 से स्टार्ट करो. 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 12 6 5 36 6 6 36 6 7 42 6 8 48. ओके, 4 यहाँ पे कैरी चला गया, 8 यहाँ आ गया, 4 कैरी चला गया. तो 6 0 0 0 + 4 4. ठीक है, जब हमारे पास 0 हो जाती है तो 0 से हम किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होता है, और कैरी हमारे पास 4 है तो हम इसमें 4 प्लस कर देंगे. 6 0 0 0 + 4 4 6 3 18. ओके, सो आंसर इज 1848. ठीक है जी, तो ये होगी हमारी मल्टीप्लिकेशन की रिवीजन. वन सम हमने मल्टीप्लाई का किया है. अब हम अभी आप 2 मिनट्स में आपको दे रही हूँ, आप चेक कर लीजिए. ओके, वेरी गुड, राइट इन द चैट बॉक्स जिनका हो गया है. डन, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स डन. आप चैट बॉक्स में डन लिख सकते हो, सो दैट आई शुड नो, मुझे पता चल जाए कि आपने कर लिया. वेरी गुड रिद्धिमा, ध्रुव, जयविश, शाबाश, 13, 14 स्टूडेंट्स हैव डन, 15, 16, 17, 18, 19, जल्दी कीजिए, वेरी गुड. ओके, सो आई होप आप सबने ये सम कर लिया है. अब हम करेंगे डिवाइड एंड चेक. ओके, डिवाइड एंड चेक. सो आई एम गोइंग टू रब दिस. यस, यू कैन राइट हियर 1000 प्लेस वैल्यू, क्योंकि 1 हमारा यहां आ गया और ये डायरेक्ट 1 यहां नीचे आ गया. जैसे जैसे आप नेक्स्ट क्लास में होते जाओगे ये चीजें आपको ओरली याद रखनी है. ठीक है, जैसे फर्स्ट में आप प्रॉपर सॉल्व करते थे, सेकंड में आपको ओरली याद रखना है. ठीक है,
कि यहाँ पे 118 हो गया तो 1000 प्लेस चले लगेगा, ठीक है? ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डू डिवाइड एंड चेक. आज हमने डिवाइड एंड चेक करना सीखना है. जब यहाँ पे आपका जो फर्स्ट डिजिट है, वंस प्लेस, टेंस प्लेस है, जो वो आपके डिवाइजर से स्मॉल है. अब देखो यहाँ पे फोर है, यहाँ पे टू है, ठीक है? टू स्मॉल है फोर से, है ना? तो क्या करेंगे, तो हम फोर का टेबल, सेम वही मेथड है, हम फोर का टेबल टू तक रीड करेंगे, ठीक है? तो फोर जीरो जा जीरो, फोर वन जा फोर. अब फोर वन जा फोर, यहाँ पे अगर हम फोर वन जा फोर लिखेंगे वो तो टू से ज्यादा है ना? तो हम फोर वन जा फोर तो ले नहीं सकते, हम फोर जीरो जा जीरो ले सकते हैं, क्योंकि जीरो टू से स्मॉल है. तो हमने यहाँ लिख दिया फोर जीरो जा जीरो. Okay.
जब मैम एक्सप्लेन कर रही है तो बीच में आप एक्सक्यूज मी बोल रहे हो तो मैम ना तो एक्सप्लेन आ गया समझ नहीं ले पाएंगे। तो लेट मी फिनिश, ठीक है? जब आप देख रहे हो कि मैम समझा रहे हैं तो पहले सुन लो, ओके? देन यू कैन आस्क। हाँ जी, अब पूछिए, क्या पूछना है गौरव? मैम बोलिए। मैम ये वाला समझ नहीं आया। गौरव ये समझ नहीं आया आपको? यस मैम। जैसे हम करते हैं, हमने फर्स्ट डिजिट लिया, आपने फोर का टेबल टू तक रीड करना है, ठीक है? फोर जीरो जा जीरो, फोर वन जा फोर, फोर वन जा फोर टू से ज्यादा हो गया ना? यस। तो हमने फोर जीरो जा जीरो ले लिया, ठीक है? यस। तो टू माइनस जीरो टू, 9 ऊपर से नीचे आ गया, 29 बन गया। 4 का टेबल हमने 29 तक रीड करना है। 40 से 0, 47 से 28, 48 से 32, 32 29 से बड़ा है तो हम 32 को लिखते हैं, हम 47 से 28 को लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि वो 29 से छोटा है, उसको हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। 9 - 8 1, 2 माइनस 2 0। ओके, देन क्वेश्चन 7, रिमाइंडर 1, डिवाइजर 4 एंड डिविडेंड 29। इसके बाद हम चेक करेंगे, ठीक है? चेकिंग के लिए जो रूल है आप सबको अब तक याद हो जाना चाहिए। वेरी गुड, तनुज हैज रिटन इन द चैट बॉक्स। सो व्हाट इज द रूल? Dividend is equal to quotient multiplied by divisor plus remainder, ठीक है? आपने ऐसे लर्न करना है ताकि आपको पता चले कि कैपिटल डी डिविडेंड है, क्या वो क्वोशंट है, डी डिवाइजर है और आर रिमाइंडर है। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो कैपिटल डी हमारे पास कितना है? डिविडेंड 29। देन क्वोशंट वी हैव 7, डिवाइजर वी हैव 4 प्लस रिमाइंडर वी हैव 1, 29, 7 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का टेबल 4 तक काउंट कीजिए, रफ वर्क करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, इसमें 7 को 4 से 4 तक 7 का टेबल ही काउंट करना है आपने, कीजिए। वेरी गुड, 7 4 सा 28, 28 प्लस 1, 28 में हमने 1 ऐड करना है, तो 128 के बाद हमने 1 फिंगर ओपन की, 29, तो हमारे पास आ गया 29। वेरी गुड, हार्दिक हैज गिवन करेक्ट आंसर। वेरी गुड, तो ऐसे हमने चेक किया, हमारे दोनों नंबर सेम आ गए, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दैट मींस आवर सम इज करेक्ट, ठीक है? हमारा जो सम है वो करेक्ट है, ओके? आई होप सबको समझ आ गया, सबको समझ आ गया। चलो शो मी योर थम्स अप जल्दी से, आई एम वॉचिंग यू, जल्दी से थम्स अप शो कीजिए जिनको समझ आ गया। ओके, वेरी गुड, सबने थम्स अप शो किया, दैट मीन्स सबको समझ आ गया। वेरी गुड, गुरसिमर आपको समझ आ गया? वेरी गुड, एवरी वन शो मी योर थम्स अप, गुड। चलो फिर वन सम करें, एक ऐसा ही करें, एक सम और। सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट स्विच्ड ऑन देयर वीडियोस, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। हाँ जी, चलिए अब एक सम करते हैं, ठीक है? एक सम और ऐसा ही करेंगे हम, सेम सम नंबर टू, 39 डिवाइड बाय 5। चलिए ये आप ट्राई करोगे,
एंड कीप योर वीडियोस ऑन फॉर दैट आई कैन वॉच यू. ठीक है, मैंने आपको देखना है सम करते हुए. सो कीप योर वीडियोस ऑन. आई हैव रिटन हाँ जी नामलीन आर्ध्या शुभकर्मन वरेश कीप योर वीडियोस ऑन कीरत प्राची राज करमजोत वाणी विनायक व्यांश. बेटा आपकी वीडियोस ऑन नहीं है. पारस विनायक फतेहदीप गुंजन गुरनूर ईशा आरव हितेशवीर केशव हलीन कृपी. स्विच ऑन योर वीडियोस. तभी मुझे पता चलेगा आप लोग कर रहे हो कि बस ऐसे ही बैठे हो. वेरी गुड गुंजन आर यू डूइंग. शाबाश कीजिए ट्राई कीजिए. नहीं हुआ तो कोई बात नहीं मैम विल सॉल्व. मैंने सॉल्व करना है बोर्ड पे. आप एक बार ट्राई तो कीजिए. शाबाश आपने 39 का 5 से डिवाइड करना है. ठीक है तो अब देखिए 3 जो है वो 5 से स्मॉल है ना. 3 इज स्मॉलर देन 5 तो हम 5 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे. 5 0 0 5 1 5 तो 3 से बिग हो जाएगा तो हम पढ़ेंगे 5 0 0. वेरी गुड तनुज हैज रिटन द आंसर क्वेश्चन एंड रिमाइंडर. वेरी गुड तनुज डू चेकिंग आल्सो. चेक भी कीजिए. सिमरप्रीत आप नहीं सॉल्व कर रहे बेटा. सॉल्व इट. वेरी गुड. शाबाश ट्राई कीजिए. मारा हैव यू डन. ओके शाबाश. वेरी गुड प्रभुन हैज डन. यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स प्रभुन हैज डन रिधिमा हैज डन. वेरी गुड गौरव हैज डन शगुन हैज डन. वेरी नाइस. चलिए तो मैम एक बार सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है जिनका हो गया वो चेक कर लेंगे जिनका नहीं हुआ वो बोर्ड से दोबारा से अंडरस्टैंड करेंगे. ओके यू विल अंडरस्टैंड अगेन. सी 3 इज स्मॉलर देन 5. 5 0 इज 0 5 1 इज 5 तो 5 को 3 से बिग हो गया ना तो हम 5 0 इज 0 लेंगे. माइनस 9 एज इट इज आ जाएगा नीचे और 3 माइनस 0 3. नाउ विल रीड टेबल ऑफ 5 अप टू 39. ओके हमने 39 तक टेबल रीड करना है. 5 0 इज 0 5 1 इज 5 5 2 इज 10 5 3 इज 15 5 4 इज 20 5 5 इज 25 5 6 इज 30 5 7 is 35, 5 8 is 40. 40 is greater than 39, है ना? 40 39 से big है, तो हम क्या करेंगे? हम वापस 5 7 is 35 पे जाएंगे. And then we will subtract, हम minus करेंगे. 9 minus 5, 4. 3 minus 3, 0. So we have remainder 4, quotient 7, divisor 5, dividend 39. Okay? So we'll add the values. Dividend we have 39, quotient we have 7, divisor we have 5, and remainder we have 4. 39, 7 5s are 35 plus 4. 39 is equal to 39. Okay?
तो आपको जो डिवाइड के सम्स हैं पीटी वन में वो 0 to 5 टेबल्स तक ही आएंगे, ठीक है। फर्स्ट वर्कशीट जो हमने डिवीजन की आपको दी थी उसमें मैंने बाय मिस्टेक 6, 7 से डिवाइड करवा दिया था आपको, लेकिन आपने अभी तक अभी 0 से 5 के टेबल तक ही डिवीजन सीख ली है। ओके, क्लियर। आपने 0 to 5 तक के टेबल की डिवीजन ही हम करेंगे, ठीक है। मतलब आपको डिवाइजर में यहाँ पे 0 to 5 डिजिट्स ही आएंगे। ओके, तो अब हमने चेकिंग कर लिया, हमने सम सॉल्व भी कर लिया, ठीक है। आई होप अब जिसको कोई डाउट था भी तो अब वो क्लियर हो चुका होगा। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैं एक सम और दे रही हूं ताकि मैं श्योर हो जाऊं कि आपको अच्छे से आ गए, ठीक है। ऐसा ही सम एक और दे रही हूं मैं आपको, सम नंबर 3, 29 डिवाइड बाय 49 कर लेते हैं, 49 डिवाइड बाय 5। चलिए जल्दी से आंसर क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, जो भी आपके पास क्वेश्चन और रिमाइंडर आता है यू विल राइट इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड, डन। इतनी जल्दी कर लिया मनजिंदर प्रीत, अभी तो मैंने स्टेटमेंट लिखी थी। वेरी गुड, मीनाक्षी मैंने फर्स्ट और सेकंड सम 2 and 3 टाइम्स रिवाइज करवाया है, ठीक है। अगर अभी भी आपको डाउट है नो प्रॉब्लम, लेट मी गिव सम टाइम टू यू पीपल, आप ट्राई कीजिए। आफ्टर दैट मैं ये बोर्ड पे सम सॉल्व करवाऊंगी, आप दोबारा से समझ लेना। ओके, रिधिमा हैज डन गुड, कानव, हर्षदीप, तनुज, वेरी गुड। चलिए फिर अब मैम भी कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। अभी भी अगर डाउट है मीनाक्षी, ठीक है, बाकी सारे बच्चे जिनको अभी भी थोड़ा सा भी डाउट है, प्लीज अपना सॉल्व करना छोड़ के मैम जैसे समझा रहे हैं पहले बोर्ड पे देखो, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हमने लिखी है स्टेटमेंट 49 डिवाइड बाय 5। अब हम 5 का टेबल 4 तक रीड करेंगे। 5 0 से 0, 5 1 5, 5 1 5, 5 तो 4 से बिग है ना, तो हम क्या लेंगे 5 0 0। हम हमेशा अगर नेक्स्ट डिजिट हमारा बिग आ जाता है टेबल में तो हम पिछला डिजिट ले लेते हैं ना, ऐसे ही हमने यहाँ पे करना है। 5 1 5 बिग है 4 से, तो हमने 5 0 0 ले लिया। फिर हम माइनस करेंगे, 4 minus 0 4, 9 एज इट इज नीचे आ जाएगा। 5 का टेबल हमने 49 तक रीड करना है, हमने पिछले सम में भी 5 का टेबल रीड किया था। 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50, 50 इज ग्रेटर देन 49 है ना, 50 तो बड़ा है 49 से। So we will take 5 9 45, 9 minus 5 4, 0 minus 0, 4 minus 4 0. So we have remainder 4 and we have quotient 9, we have divisor 5 and we have dividend 49. Okay, ठीक है।
हमने 5 का टेबल पहले 0 तक किया, 5 0 0 क्योंकि 4 जो है 5 1 5 4 से भी हो जाने थे, इसलिए वेरी गुड मायरा। तो 4 0 4 9 हमने एज इट इज नीचे लिया, ओके 5 9 45 ओके माइनस किया 4 आ गया हमारे पास, तो रिमाइंडर 4 क्वेश्चन 9 ठीक है जी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 49 is equal to quotient 9 multiply by divisor 5 plus remainder 4. 49 9 5 45 plus 4 49 हमने 9 5 का multiply किया तो यहाँ पे हो गए 49। 45 में 4 को प्लस किया, we got 49. Both sides are same, that means our answer is correct. Okay? अब अगर किसी को कोई भी डाउट है, you can unmute and you can ask. ठीक है जी? आप अपने आप को unmute कर सकते हो और आप पूछ सकते हो. Okay? बेटा आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, आपकी आवाज कट रही है बेटा। सो लिंक फॉर द अटेंडेंस हैज बीन शेयर्ड इन द चैट बॉक्स, यू कैन फिल योर अटेंडेंस, योर पेरेंट्स कैन फिल फॉर यू, आप सम कर रहे हो तो आपके पेरेंट्स कर सकते हैं फिल। गुरनूर एक बार दोबारा पूछिए बेटा आप क्या पूछ रहे हो। Anyone else जिसको कोई डाउट है अभी? आप अनम्यूट कर सकते हो और आप पूछ सकते हो। तो आज आपको होमवर्क में सम्स सॉल्व करने के लिए नहीं आएंगे, आज आपको 12 एंड 13 का टेबल की पिक सेंड करेंगे हम, ठीक है? आपने वही टेबल 12 और 13 का टेबल अपनी नोटबुक पे सुंदर सुंदर लिखना है, ठीक है? ओके, क्योंकि फर्स्ट में। हाँ जी मैम, मुझे चेकिंग का नहीं समझ आ रहा। चेकिंग का समझ नहीं आया, ठीक है पहले मैं कंप्लीट कर लूँ। मैं क्या बोल रही थी, हाँ आपने 12 और 13 का टेबल सुंदर सुंदर लिखना है नोटबुक पे, ठीक है? आपको वर्कशीट आ जाएगी, ठीक है? आफ्टर 2 o'clock वो आपने सुंदर सुंदर लिखनी है अपने नोटबुक पे और लर्न भी करनी है। मंडे तक लर्न कर लेना 12 का टेबल, ओके? क्योंकि मंडे से मैंने किसी भी बच्चे को पूछ लेना है, सुनाना पड़ेगा, ठीक है मैम? चेकिंग का करवा, चेकिंग का मुझे समझ नहीं आ रहा। यस गौरव मैम, मेरी अटेंडेंस नहीं जा रही। नहीं जा रही कोई बात नहीं, मुझे पता है आपने लगाई है क्लास, नो प्रॉब्लम। हां दिस वर्क ध्यान से देखना, हम चेकिंग कैसे करेंगे। ओके मैम। कैपिटल डी मींस डिविडेंड, मैम मेरी चेकिंग नहीं जा रही। मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ओके? आपने ये रूल लिख लिया ऊपर, आपको ये लर्न होना चाहिए, इसी बेस पे आपकी चेकिंग होगी। मैम मैम अब डिविडेंड हमारे पास कितना है, 49। यहाँ पे देखो सम में हमारे पास डिविडेंड 49 है, यहाँ हमने लिख दिया 49, ओके? क्वेश्चन हमारे पास 9 है, यहाँ हमने लिख दिया 9। डिवाइजर हमारे पास 5 है, यहाँ हमने लिख दिया 5। रिमाइंडर हमारे पास 4 है, हमने यहाँ पे लिख दिया 4, ओके? देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, 49 एज इट इज लिख देंगे, इज इक्वल टू 9 को हमने 5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई लिखा है ना, मल्टीप्लाई करना है, 9 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, 9 5 45, ओके? प्लस 4 आ गया एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में कि हमने 45 में 4 को प्लस करना है, आप रफ वर्क में भी 4 को प्लस करके देख सकते हो, या फिर रफ वर्क कर लो, अगर 45 प्लस 4 5 प्लस 4 9 4 49, ठीक है? जब हमारे दोनों आंसर सेम आ गए, दोनों नंबर सेम है, दैट मींस आवर आंसर इज करेक्ट। थैंक यू मैम। ओके बेटा, तो आपने 12 और 13 का टेबल सुंदर सुंदर लिखना है अपनी नोटबुक पे, ओके?
एंड उसको लर्न भी करना है, ठीक है। क्या किसी बच्चे ने 12 का टेबल लर्न कर लिया पहले? कुछ बच्चे कर लेते हैं ना। Has anybody has learned? Has anybody learned? Ali. Yes, ma'am. Ali has learned. Okay, Ali. Start. I learned. Okay, आपकी भी turn आएगी। Yes, ma'am. पहले एलिन की टर्न आने दीजिए, ठीक है? फिर मैं आपसे पूछूं। हाँ जी एलिन, जल्दी से सुना दो। टेबल ऑफ 12। एलिन स्टार्ट। ओके एलिन हैड सम प्रॉब्लम आई थिंक। विनायक, अनम्यूट योरसेल्फ विनायक एंड स्विच ऑन योर वीडियो। वीडियो ऑन रखनी है तभी मुझे पता चलेगा कि आप अपने आप सुना रहे हो, कहीं से देख नहीं रहे हो। चलिए इनायत स्टार्ट बेटा। कैन आई स्पीक मैम? हां जी बेटा स्टार्ट। स्मार्ट होके यू स्टार्ट। हां जी स्मार्ट स्टार्ट। बाकी कोई बोल ही नहीं रहा है, स्क्रीन ले रही हूं। यस बोल रहे हो। 12 zeros are 0, 12 ones are 12, 12 twos are 22, 12 threes are 22. 12 twos are 22. No, 12 twos are 24. Chalo, aage bolo. 12 is a 0, 12 ones are 10. Can I speak, ma'am? First pause. Yes, ma'am, can I speak? 12 zeros are 0, 12 ones are 12, 12 twos are 22. Can I speak, ma'am? 33, 12 fours are 44, 12 fives are 55, 12 six are 66, 12 sevens are 77, 12 eights are 88, 12 nines are 99, 12 चलो दिलप्रीत unmute, start, table of 12. 12 0 12 1 the 12, 12 2 the 24, 12 3 the 36, 12 4 the 48, 12 5 the 60, 12 7 the 48, 12 7 the 84, 12 8 the 7. 96, 12, 9, the 108, 12, 10, the 120. Ma'am? Patedi. Can I speak, ma'am? Ma'am? Unmute. Ma'am, can I speak? Ma'am, can I speak? Ma'am, can I speak? Hanji, beta, ek bach, turn wise. Can I speak? Can I speak? Mute. Ma'am, can I speak? Beta, ek bach, jiska main name le rahi hu, wo bachcha bolega pehle. Tanvi, mute yourself. Hanji, Patadeep, start. 12 zeros are 0, 12 ones are 12, 12 twos are 24, 12 threes are 36, 12 fours are 48, 12 fives are 60, 12 sixes are 72, 12 sevens are 84, 12 eights are 96, 12 nines are 108, 12 tens are 120. Ma'am? Good. Ma'am? Chalo, Tanvi, unmute. Ma'am, can I speak? Ma'am? Hanji, Tanvi. Ma'am? Chalo, ma'am, can
यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन स्पीक एवरी